दोस्तों, आजकल चीन को लेकर के हमारे देश में काफ़ी चर्चा है। और अभी जो लेह लद्दाख में हुआ है उसको लेकर के काफ़ी चर्चा है। और देश के लोगों को ये लगता है कि भाई जो देश के जो सैनिक हैं ना, उनकी चाइना से और पाकिस्तान से शायद कुछ पर्सनल दुश्मनी है, और उस दुश्मनी का बदला लेने का कर्तव्य केवल जो यूनिफॉर्म पर्सनल हैं उसमें सभी आगे, सेना भी आगे, अर्धसैनिक बल भी आगे हमारे, उसका बदला लेने की जिम्मेदारी केवल मात्र उनकी है, क्योंकि उनकी तो खानदानी दुश्मनी है उनसे, बाकियों की खानदानी दुश्मनी नहीं है। खानदानी छोड़िए, कैसी भी नहीं है। और वह सस्ते के चक्कर में उस चाइना का माल खरीदते रहते हैं, जिसका ये भी मालूम है कि उसके सामान की कोई गारंटी नहीं है। और इनको लगता है कि देश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सारी की सारी देश की सेना की है, चूंकि उसकी पर्सनल दुश्मनी है इन देशों के लिए, सेना की हमारी दुश्मनी नहीं है। भाई हमें क्या मतलब है, हम तो सस्ता माल खरीदेंगे और फिर कहेंगे मोदी जी सामान आयात ही क्यों करते हैं। भैया मोदी जी नहीं बोल सकते इस चीज़ को, ठीक है ना। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से लोग तो जानते भी नहीं होंगे, WTA, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके नियमों में इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं सब लगभग वो बंधे हुए हैं, और उसमें कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती जो उसमें शामिल है WTO में, या उसकी जो शर्तों को मानने के लिए बाध्य हैं, कि भाई हम फला देश से आयात नहीं करेंगे कुछ भी। अगर आप ऐसा कोई प्रधानमंत्री बोलते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सामान भी निर्यात नहीं होगा, आपका सामान भी कोई नहीं खरीदेगा फिर विदेश में। जो है वो कहेंगे कि भाई जब ये हमारा सामान पर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो हम भी इनका सामान नहीं खरीदते, और फिर पकड़िएगा बाबा जी का ठुल्लू। ठीक, तो दोस्तों एक चीज़ सोच लीजिएगा, अगर आप ये समझते हैं कि मुझे सरकार को कुछ कहने का हक है पाकिस्तान और चाइना के लिए, तो पहले वो उस देश के प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, अन्यथा कीप मम। ठीक है, क्योंकि इस सामान से जो पैसा कमाते हैं उससे वो हथियार भी खरीदते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो हथियार नहीं खरीदते होंगे। आपको शायद मालूम ना हो कि चाइना और इंडिया के अंदर जो ट्रेड होता है उसमें अरबों डॉलर का लेन देन होता है। ठीक है, तो भाई जो सैनिक है ना, उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान या चाइना से, जो तुम्हारी नहीं है। तो जिस दिन आप ये सोचना बंद कर देंगे ना, उस दिन चाइना घुटनों के बल पे आ जाएगा, क्योंकि आप दुनिया की 20% आबादी हैं, दुनिया की 20% आबादी हैं, चाइना के बराबर ही हैं आप, उससे कम नहीं हैं। परंतु आप सस्ते के चक्कर में उसका प्रोडक्ट खरीद लेंगे, भले ही वो 2 रुपये सस्ता हो। जो चीज़ इंडियन चीज़ आपको 20 रुपये में मिलती हो और चाइनीज चीज़ आपको 18 रुपये मिलती हो, आप ठग से 18 रुपये वाली खरीद लेंगे, और आप सोचते हैं कि आपने बहुत महान ईमानदारी का काम किया है, परंतु आप उस पर कई मोर्चे में फेल होते हैं उस 2, 4 या 10 रुपये के ऊपर। और कहाँ कहाँ फेल होते हैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो भैया अगर आपको ये लगता है कि चाइना अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसे आप ही रोक सकते हैं, उसको सबक आप भी सिखा सकते हैं बिना सेना में गए,
उसे मोदी जी सबक नहीं सिखा सकते। मोदी जी कभी भी डायरेक्ट रूप में ये नहीं कह सकते कि आप अमेरिका का सामान ना खरीदो या चाइना का सामान ना खरीदो, मैं उसका सामान नहीं आने दूंगा। यह आप कह सकते हो कि हम चाइना का सामान नहीं लेंगे। आपने ये सोचा हम चाइना का सामान नहीं लेंगे, जब लेंगे नहीं तो बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा नहीं तो आयात नहीं होगा, और आयात नहीं होगा तो आर्थिक रूप से चाइना की कमर टूट जाएगी। अब ये सोचना आपको है, आप ये सोचते हैं कि चाइना या पाकिस्तान से इस देश के सेना के जवानों और सैनिक जवानों का कोई पर्सनल दुश्मनी है, तो वो उनकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो आपकी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और यदि आप अपनी सुरक्षा के लिए इतना भी योगदान नहीं कर सकते कि उसके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, तो आपको मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के मैटर में बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप एक स्लेव की तरह हैं, आपको गुलामी पसंद है और आप गुलाम बनकर ही रहना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपका देश तरक्की करे, क्योंकि उस चाइना के सामान की जगह अगर आप देश में निर्माण हुई चीज़ का उपयोग करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, और उससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश के मजदूर को पैसा मिलेगा। थैंक यू एंड बाय बाय। तो भाइयों थोड़ा समझो, जो लोग ये कहते हैं ना कि मोदी जी आयात क्यों कर रहे हैं, मोदी जी नहीं कह सकते, इवन मोदी जी नहीं, चाहे मनमोहन सिंह जी भी आ जाएं, वो भी नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ये खोपड़ी दी है माले जो है ना शरीर में सबसे ऊपर भगवान ने, इसको थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए आप। जिस दिन आप चाइना का प्रोडक्ट्स लेना बंद करेंगे, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी, जो आप मोबाइल में जिसमें हम वीडियो बना रहा हूँ, इस प्रकार की चीज़ें भी आप लेना बंद कर देंगे, यदि आपने ये चीज़ें भी एक साल के, चूंकि मोस्टली हम मोबाइल फोन्स एक साल के दो साल के अंदर अंदर बदल देते हैं अपने, यदि आप एक साल में भी इस मोबाइल और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हम या ऐप्स लगा करके रखते हैं उनको निकाल फेंकें, तो ये चाइना जो करता है ना, ये कुछ नहीं करेगा, ये चुपचाप शांत बैठ जाएगा, क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल जवानों पर नहीं छोड़ी जा सकती, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी है, यह देश आपका भी है जितना उन जवानों का है। थैंक यू एंड बाय बाय।